सलाम, आदाब, पीस, लव एंड पीस टू ऑल। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं एक वीलॉग करूं ताकि आप लोगों से गुफ्तगू का एक मौका मिले, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। कहने का बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। और वैसे भी सियाने कहते हैं, मौलाना रूम का कॉल है कि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पोर ट्रांसलेशन। यानी कि खामोशी खुदा अल्लाह मियाँ की जबान है, बाकी सब जो है वो एक बुरा तर्जमा है। वीलॉग के बारे में सोचता था कि किस किस्म का होगा, किस बारे में होगा, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस बारे में होना चाहिए। उम्र गुजरी है इस दश्त की स्याही में, 25 साल से तो मेरा ताल्लुक जिस फील्ड से है, ड्रामा, अदाकारी, सिनेमा, रेडियो, थिएटर। आप में से अक्सर लोग शायद मुझे ड्रामों के हवाले से जानते होंगे ज़्यादा, खुद अलबत्ता अभी तक सीख रहा हूँ। बहुत कुछ सीखना है और सीखने का अमल तो शायद सारी ज़िंदगी जारी रहता है, लेकिन वीलॉग में हिम्मत नहीं पड़ रही थी वीलॉग शुरू करने की। लेकिन एक आध रोज पहले, बल्कि कल ही एक वाकया हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना पहला वीलॉग कर डालूं। दुनिया में रोज लोग मरते हैं हजारों की तादाद में, बहुत ट्रेजेडीज हैं, बहुत से लोग क्योंकि मौत खबर भी नहीं बनती। लेकिन चूंकि इस शख्सियत का ताल्लुक हमारी फील्ड से, मेरी फील्ड से है, और एक ऐसी मौत थी जो शायद कबल इस वक्त कह लें अनएक्सपेक्टेड थी, तो बहुत सदमा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर का कोई फर्द चला गया इस दुनिया से। मैं इरफान खान साहब की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, शायद जाहिर है उनके काम के हवाले से, उनका काम ही ऐसा था दिल को छू लेने वाला, और शायद मैंने भी उसी वक्त काम करना शुरू किया जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो एक ताल्लुक सा बन जाता है। और आप अच्छा काम तो सराहते हैं दुनिया में कहीं भी हो रहा हो। तो मैं सोचा कि आज का प्रोग्राम, आज का वीलॉग उनके नाम, मैं एक एक्टर हूँ बुनियादी तौर पे, तो शायद इससे बेहतर ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, खिराज तहसीन मैं क्या दे सकता हूँ कि उन्हीं का लिखा हुआ एक खत जो उन्होंने अपनी बीमारी के हवाले से लिखा था चंद माह पहले, शायद आप लोगों की नजर से गुजरा हो या नहीं, उसको आपके सामने पेश करूं। गलती हो जाए पढ़ने में तो माफ कर दीजिएगा, मगर हियर इट इज़।